कक्षा 10 लेसन 4 गणित, इसका चैप्टर है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण का जो है वो उसका मेन फंडा जो है इस पे आधारित होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। इसका मान इस जीरो के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी द्विघाती समीकरण में घात जो होता है चर के ये पावर होना जरूरी है, ठीक है। ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स पे एक्स स्क्वायर होना द्विघाती समीकरण में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि द्विघाती समीकरण का मतलब ही है कि घात दो होना चाहिए। घात का मतलब है स्क्वायर पावर, जैसे कि ये है दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं। जैसे कि लिखेंगे क्या कि द्विघाती समीकरण, किसी भी द्विघाती समीकरण को लिखने के लिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन इसमें जीरो ए पे जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए द्विघाती समीकरण है जहाँ जहाँ क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी है वास्तविक वास्तविक संख्या है, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल जीरो, ठीक है, तो वो द्विघाती समीकरण होगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि वास्तविक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या आता है, जहाँ पूर्णांक संख्या क्या है धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं पूर्णांक संख्या जो है वो धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, लेकिन ये माइनस में भी हो सकता है ये, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, इसका यही कंडीशन है, ठीक है ना। इसका एक और व्यापक रूप भी लिखते हैं हम द्विघाती समीकरण का, देखिए स्टार बना के लिखते हैं द्विघाती द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक का मानक रूप, अब मानक रूप क्या है, इसका मानक रूप है देखिए पी पी एक्स बराबर जीरो। ये ऐसा फैक्टरी है जो ये पूरा डालने पर ये होता है। अब यहाँ एक्स का मान जीरो पुट कर सकते हैं, एक पुट कर सकते हैं, दो पुट कर सकते हैं, अगर इसके इक्वल ये होता है तब ये व्यापक रूप में भी होता है। ये हम चैप्टर में बताएंगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बस इस फर्स्ट जो चैप्टर हम प्रश्न वाले बताएंगे उसमें सिर्फ इसका जिक्र है, तो हम इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तो चैप्टर पर ही चलेंगे। तो चैप्टर चलने से पहले एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अपना चैप्टर का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आगे बनाने में भी आसान रहे। प्रश्न एक में दिया है एक्स प्लस वन स्क्वायर बराबर टू एक्स है, ठीक है। अब इसको क्या करना, इसको कहता है कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू एक्स टू ए बी प्लस एक वो स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो एक ही होगा, बराबर इधर करो, अब इसको गुना कर दो टू एक्स माइनस सिक्स हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये क्या होगा माइनस प्लस, इधर आएगा तो माइनस में होगा तो माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं लिखते हैं तो माइनस ये हट गया। अब प्लस ये देखिए वन प्लस में है और सिक्स क्या है माइनस में, इधर आने पे प्लस होगा सात, हम बोला था उसी टाइम कि ये जीरो भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ इसका मान कट के हट गया तो हम इसे भी लिख सकते थे, एक स्टेप देखिए दो समझाने के लिए लिख देते हैं माइनस एक दो एक्स प्लस सात, सात इधर आने पर सात हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब देखिए स्क्वायर प्लस सात, अब तो ये वास्तविक संख्या में है पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या दोनों हम बोल दिए हैं आता है, हो गया ना। अब देखिए इसका मान इस रूप में तो नहीं आया, तो इस रूप में लाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए ए बराबर एक बी बराबर जीरो कॉमा सी बराबर तो सात है ही, हो गया। अब देखिए अब इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर
प्लस बी की जगह पर जीरो गुण एक्स और सी की जगह पर सात तो सात है ही। अब इसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब ये हो गया, अब चलते हैं चैप्टर में, ठीक ना। आगे हम प्रश्नावली 4.1 यहाँ लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। नीचे मतलब निम्न मतलब नीचे होता है, तो इसको हल करेंगे तभी ना पता चलेगा द्विघात है या नहीं है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो हल करते हैं इसको, हल करने पे क्या होगा, सेम चीज़ है वही बताए हैं तो वो एग्जांपल में इसको, तो ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन बना देते हैं ताकि समझ आए। एक्स प्लस एक्स स्क्वा लिख देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन क्या हुआ। हम इसको थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं समीकरण, करण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को स्थापित करता है, इसलिए यह समीकरण द्विघात है। हो गया, द्विघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस ये लिख देंगे बड़ा, अब बस हो गया द्विघात समीकरण है। अब दो नंबर में देखते हैं उसी कंडीशन में, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए इधर तो कुछ नहीं करेंगे, तो हल सिर्फ लगाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल, अब देखिए इसको गुणा करना है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस सिक्स हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स, ठीक है। अब देखिए इधर लाने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ई प्लस में, तो इधर आने पर देखिए टू एक्स माइनस टू एक्स आइए बराबर, अब आइए इधर आया तो प्लस हुआ सिक्स और इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स ये क्या है इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर यार बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को स्थापित करता है, अतः समीकरण द्विघात है। हो गया, सिंपल है, ऐसे ही बनाया गया तीसरा प्रश्न। अब तीन नंबर प्रश्न देखते हैं, तो इसको भी हल करेंगे, गुणा इसका गुणन खंडन करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे इससे में गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वन एक्स, अब माइनस से गुना होगा तो टू एक्स माइनस टू इक्वल हो गया, फिर इसको भी वैसे ही गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस थ्री एक्स, ठीक ना, और इसको माइनस से गुना करेंगे तो एक्स माइनस थ्री, तब इसको क्या करेंगे पहले स्क्वायर प्लस, प्लस तो नहीं होगा ये क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो एक्स माइनस और माइनस टू बराबर में देखिए ये प्लस माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब एक तरफ लाते हैं, चाहे इधर करिए चाहे उधर करिए, देखिए सेम है तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस इधर करते हैं तो हो जाएगा थ्री एक्स, ठीक है, अब माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस वन अब बराबर जीरो। अब देखिए ये क्या होगा, ये द्विघात नहीं होगा, नहीं होने का शर्त तो जानते हैं कि स्क्वायर पावर नहीं है, तो ये सीधा लिख देंगे ए बराबर नॉट इक्वल जीरो, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया, अब तीन नंबर में, अब तीन नंबर में क्या है, नहीं चार नंबर में फिर वैसा ही सेम है, तो इसको भी गुना करेंगे एक्स में, हल लिखते हैं पहले। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो क्या होगा टू एक्स पावर स्क्वायर माइनस, ये प्लस का चिन्ह है तो एक्स, अब माइनस से गुना करते हैं तो सिक्स एक्स अब माइनस थ्री। अब देखिए इसको फिर एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस फाइव एक्स हो गया। अब इसको इस साइड लाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स, ये सिक्स एक्स है
देखिए यहाँ क्या है, प्लस माइनस है ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो गया, और ये माइनस थ्री का थ्री बराबर जीरो। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे स्क्वायर में, ये स्क्वायर है यहाँ से इधर आया, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच माइनस, ये माइनस में ये भी है, तो दस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। अब ये देखिए उस रूल को फॉलो करता है तो उतना भाषा क्या लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं, या दुई घात समीकरण है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो होगा ही ठीक है। अब पाँच नंबर प्रश्न में देखते हैं, सेम होगा वैसे ही, इसको गुना करेंगे तो एक्स एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, अब माइनस गुना होगा एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री ठीक है ना, अब इसको भी करेंगे वैसे ही, तो एक्स स्क्वायर ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स गुना होगा इससे, और माइनस फाइव एक्स फाइव। अब इसको क्या करेंगे, फिर एक बार करेंगे, तो पहले इसको हल करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल एक्स माइनस प्लस है तो क्या होगा, प्लस फोर एक्स माइनस फाइव हो गया। अब इसको टोटल को इस साइड लाएंगे, अब देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेवन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा फाइव इक्वल जीरो। अब एक्स स्क्वायर ग्यारह एक्स प्लस एट इक्वल जीरो, अब उसी को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, यह द्वि घात समीकरण है, क्योंकि अब तक तो हम समझ ही चुके हैं ठीक है। अब देखिए छः नंबर में इसको को हल नहीं करना है, लेकिन इसको लॉजिकली हल करना पड़ेगा, तो इसको इसे लिखेंगे एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, हो जाएगा टू गुने टू है तो फोर एक्स प्लस फोर। अब इसको देखिए सेम सेम कट गया, अब कुछ इधर करिए तो क्या होगा, सात एक्स माइनस थ्री, क्योंकि प्लस माइनस है इक्वल जीरो, इसका घात खत्म है, तो यहाँ सीधा लिख देंगे नॉट इक्वल जीरो, अतः इसका मान जीरो हुआ तभी तो वो ख़त्म हुआ, अतः यह द्वि घात समीकरण नहीं है हो गया। अब देखिए सात नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको एक्स प्लस थ्री इसको इस फार्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इक्वल थ्री बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं ए पावर थ्री प्लस थ्री पावर टू बी प्लस थ्री ए पावर बी पावर टू प्लस बी होता है, क्योंकि ये तो फार्मूला है, ये तो अलजेब्रिकल फार्मूला है, तो ये तो बहुपद में ही पता चल गया होगा देखेंगे। तो अब इस फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे, तो इसके एक जगह क्या लिया है एक्स, और बी की जगह क्या लिया है थ्री, तो अब लिखेंगे, तो यहाँ सीधा लिख देंगे एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स पावर टू गुने बी, बी क्या है थ्री, अब प्लस थ्री एक्स और बी पावर थ्री स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर थ्री क्यू होगा, और तीन पावर क्यू बराबर, अब इसको गुना करते हैं देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा टू एक्स है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स हो गया। अब देखिए इसको फिर एक बार गुना करना पड़ेगा, गुना करते हैं एक्स पावर थ्री प्लस नो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है नौ तीय सत्ताईस, ये स्क्वायर नौ होगा गुने तीन है तो सत्ताईस एक्स प्लस सत्ताईस इक्वल क्या होगा थ्री एक्स
टू एक्स हो गया। अब इसको इधर करेंगे, इधर करने पे क्या होगा, इसको इसको इधर करेंगे क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको इधर करते हैं। तो लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है, ये होगा माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सत्ताईस एक्स, क्योंकि इसको पूरा को इधर किए हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर ये होगा माइनस क्या सत्ताईस और बराबर जीरो। अब देखिए ये क्या हो गया टू एक्स क्यू हो जाएगा ग्यारह एक्स स्क्वायर माइनस सत्ताईस एक्स, सत्ताईस इक्वल जीरो, ठीक है। अब देखिए इसका घात थ्री हो गया, और घात का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर घात थ्री होने पे घात थ्री होने का मतलब है ये त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात जिसका होता है उसी का घात ही होता है। तो अतः लिख सकते हैं हम समीकरण त्रिघाती होने के कारण हम इसे द्वि घात नहीं लिख सकते हैं, हो गए इतना ही लिखो। अब आठ नंबर प्रश्न देखते हैं, इस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, इधर तो सेम ही होगा, लिख देंगे एक्स पावर थ्री फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो वही फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी को होल क्यू पे, तो ए माइनस बी को होल क्यू क्या होता है, इस जगह लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा, ए माइनस बी को होल क्यू होता है, लिखिए ए क्यू थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है। आठ नंबर में तो कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला पे बैठाएंगे, तो सीधा लिखेंगे एक्स पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर गुने माइनस माइनस टू, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस को हल स्क्वायर है तो माइनस नहीं लिखेंगे, गुने टू प्लस थ्री एक्स अब बी पावर टू स्क्वायर माइनस टू पावर क्यू, ठीक है। अब फिर इसको लिखते हैं एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल, अब देखिए एक्स टू पावर थ्री इसको काटते हैं गुना करते हैं, तो ये क्या होगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स चार, ये सिक्स नहीं होगा, देखिए तीन है और ये चार, चार तो ये बारह, बारह एक्स माइनस आठ, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से सेम सेम कर देंगे, अब देखिए बारह है और इधर माइनस को इधर करते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल जीरो। अब देखिए क्या होगा, बचेगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस तेरह एक्स प्लस नौ इक्वल जीरो, ये क्या है, ये इस फार्मूला को क्या करता है, प्रूव कर रहा है बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, सेम है पहले बता चुके हैं प्लस माइनस हो सकता है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण द्विघात है, हो गया। अब दूसरा प्रश्न देख, दो नंबर प्रश्न है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए ये तो आयत का है, हल करते हैं पहले हल, हम जानते हैं क्या,
आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुने बी। ठीक है ना, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एल गुने बी बराबर 528 मीटर। ये हो गया। अब फिर स्क्वायर, ये सुविधा के लिए हम इसको लिखे हैं ताकि समझ में आए। अब यहाँ से मानेंगे, माना कि क्या है क्षेत्र की लंबाई मीटर में, तो माना कि आयताकार भूखंड भूखंड की क्षेत्र की लंबाई क्या है, एक्स मीटर है। हो गया, प्रश्न में ही दिया है चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हम चौड़ाई के दोगुना करेंगे तो चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई तो लंबाई एक्स है तो चौड़ाई क्या होगा, दो गुने एक्स, तब दो एक्स होगा, अब प्लस एक अधिक है तो एक अधिक कर देंगे। हो गया, अब भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ज्ञात करने के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न में दिया है द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करना, तो हम इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे सीधी सी। तो हम अब इस पे हम डालेंगे एल गुने बी बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर भी इसे करके हम मीटर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मीटर में एक्स मीटर है, तब क्या होगा, देखिए एक्स गुने एल लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई ये हो जाएगा 2x प्लस ये 1। अब इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर बराबर 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स अब बराबर क्या है 528। हो गया ना, अब क्या करेंगे इसको इधर कर लेंगे, क्योंकि समीकरण के रूप में द्विघाती समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस इधर आएगा 528 हो गया, द्वि घात समीकरण है, बन गया, इसको ऐसे कर दो, हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, अब देखते हैं दो नंबर प्रश्न। दो नंबर में है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या है, 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो हम हल लिखेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक एक्स क्रमशः एक्स प्लस वन। ठीक है, तो प्रश्न से क्या है, ये देखिए, तो सीधा लिख देंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन अब बराबर क्या है 308, क्योंकि दिया हुआ ही है कि दो धनात्मक पूर्णांक का, और हमें समीकरण के रूप में लाना है, तो एक्स ही हम मान रख सकते हैं, वाई तो रख नहीं सकते हैं, तो हो गया, बस इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बस मान आ जाएगा, होगा 2x प्लस एक्स इक्वल 306, और इसको इधर करो, प्लस नहीं होगा, आइए माइनस में होगा 306 इक्वल 0, ये हो गया द्विघात समीकरण। हो गया, अब देखते हैं तीन नंबर में है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्ष में का गुणनफल अपने से तीन वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या है ज्ञात करनी है। ठीक ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है एक्स वर्ष है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमें जो चीज ज्ञात करनी है उसी चीज को मानना है, तो अभी बोल रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो हम इसका करेंगे, तो एक्स मान लिया, अब प्रश्न में आएंगे, प्रश्न से अब देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की उम्र
क्या देंगे, उम्र हो गया एक्स प्लस 26 हो गया ना। अब देखो उस उसकी आयु वर्ष को गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात, मतलब क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात, मतलब पहले 3 वर्ष पश्चात पीछे पहले क्या होगा, तो गुणनफल से 3 वर्ष पहले क्या, गुणनफल करने पर हो जाता है इतना, तो उससे पहले क्या हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात पहले, बाद में तो पश्चात बाद होगा, तो क्या करेंगे इसको फिर यहाँ लिखेंगे पश्चात क्या होगा एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगा क्या एक्स प्लस 3 29 वर्ष, वर्ष में कोऑर्डिनेट करने के लिए कर रहे थे। अब देखिए क्या करना है, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी है ही नहीं, ठीक है ना। अब इसको सीधा क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, वर्ष पश्चात तो इसमें तो 3 प्लस कर दिए हैं 26, तो 29 हो गया। अब रोहन के उम्र में भी 3 प्लस पश्चात बाद का है, तो उसमें भी प्लस होगा, तो उसमें भी करेंगे रोहन, तो उसको क्या करेंगे एक्स प्लस का थ्री कर देंगे, हो गया। कोमा देकर वर्ष कर दो, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात ना बोल रहा है, तो बाद में पश्चात का मतलब है बाद में, पहले नहीं होगा, पहले में दूसरा चीज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसको, अब समीकरण करेंगे, समीकरण करने के लिए क्या कर देंगे, गुणनफल यहाँ पहले कराएंगे, अब गुणन इसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो दोनों प्लस होगा, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 29 इक्वल में है 300 क्या है 360, तो अब इसको गुना कर देंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे यहाँ जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x हो गया, आप प्लस अब हो गया 3x, अब प्लस इसको 3 बार गुना पर करेंगे, तो 90 - 3 क्या हो जाएगा 87 बराबर हो जाएगा 360 हो गया। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों हो जाएगा क्या 32x, अब माइनस होगा 360 में माइनस 360 और प्लस 87, तो समीकरण यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x 32x होगा 32, इसको यहाँ ही लिख देते हैं समीकरण को, यहाँ पे इसको यहाँ कर देते हैं ताकि ठीक रहेगा। अब माइनस होगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 घटाएगा 3, इसमें से 15 - 8 गया तो 7, आई आगे वाला 2 बच गया 273, इसका समीकरण यही हो गया। अब चार नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हल करेंगे उससे पहले थोड़ा एक फार्मूला होता है ये वाला, देखिए रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल ज्ञात करनी है दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। अब देखिए समय बराबर हो जाएगा क्या, फिर इसको अगर यहाँ करेंगे तो यह यहाँ आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल, ठीक है, चाल हो गया। अब इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे और हमको समीकरण मिल जाएगा, देखिए कैसे करेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, समय अब हमें मान लिए हैं, तो चाल हमें क्या है x मिल गया है, दूरी तो पहले से ऑलरेडी हमको दिया हुआ 480 किलोमीटर, तो हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए दूरी क्या होगा 480 और चाल हो गया x, हो गया ना। अब देखिए इसी फार्मूला को हम यहाँ लागू कर देते हैं, बस हमको समीकरण नहीं तो निकालना है, तो प्रश्न से लिखो या प्रश्न अनुसार लिखो। अब देखिए 480
अब बाय एक्स है, बराबर में क्या हो जाएगा दिखाते हैं। बराबर में यहाँ क्या है, यदि 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी को तय करने में कितना समय लेता। तो अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं 480, क्योंकि समीकरण इसी तरह से बनता ही है, क्योंकि इक्वलिटी तो ही समीकरण है। अब एक्स एक्स है, अब माइनस करेंगे क्या 8 किलोमीटर, क्योंकि एक्स माने हैं समय की चाल, मतलब रेलगाड़ी की चाल। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 घंटा अधिक लगता है तो 3 प्लस हो जाएगा, हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब बस समीकरण को हमें बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हल करेंगे इसको। तो हल करने के लिए पहले इसका क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एक्स एलसीएम होगा तो क्या होगा, 3x + 480 = 480 / x - 8, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x, इससे पहले करते हैं, पहले लिख देते हैं एक बार ठीक रहने का, 80x - 8, और यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 480x, ठीक है। अब इसको करिए एक्स से, तो एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x² + 80x, अब माइनस से करेंगे अतिरिक्त 24x, अब माइनस 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 होगा। अब इसको 0, 8, 64 बाकी 6, 6 + 8, 32, 32 + 38, हो गया। अब बराबर में 40, 480x। अब देखिए ये x और ये x कट जाएगा, हो गया। अब क्या हो गया, उधर कुछ नहीं बचाया, यहाँ 3x² - 24x - 38, 40, 0 समीकरण हमें मिल गया। यही हमको ज्ञात करनी थी, हमको मिल गया, बस हो गया।